हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी का हमारे चैनल हेल्प सीरीज पे स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी पीडीएफ फाइल को आप जेपीजी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से, मतलब आप बिना इंटरनेट के किसी भी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके क्वालिटी में ज़रा सा भी कोई कमी नहीं आएगा। वो इसलिए कि फ्रेंड्स, आप जिस भी पीडीएफ को जितना भी डीपीआई में पीडीएफ से जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उतना ही डीपीआई में किसी भी पीडीएफ फाइल को जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर पाएंगे और इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, इसका पूरा प्रोसेस हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आते फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी भी पीडीएफ फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल को इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, किसी भी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह से साइड ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको नीचे आना है और नीचे आना है और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे एक डाउनलोड नाउ का एक बटन दिया गया है, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे नीचे में आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का साइज 15.2 MB है, मतलब फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो फ्रेंड्स इस पर आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। जब ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से ओपन होगा और इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से नजर आएगा। फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर का नाम है पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर। फ्रेंड्स, आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट कर पाएंगे, किसी भी पीडीएफ फाइल को टीआईएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसके अलावा बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी फॉर्मेट में भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना होगा उस फॉर्मेट को चूज करना होता है। मान लीजिए हम एक पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें पीडीएफ टू जेपीजी वाले बटन को क्लिक करना होगा। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जिस भी जगह पर हमारा पीडीएफ फाइल सेव होगा हमारे कंप्यूटर में या फिर जिस भी पीडीएफ फाइल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जेपीजी फाइल में, उस पीडीएफ पर पहले डबल क्लिक करके आप उसे एक बार देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस पीडीएफ पर जैसे ही डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पीडीएफ जो है टोटल 8 पेज को मिला के बनाया गया है। और फ्रेंड्स आप पीडीएफ का क्वालिटी देख लीजिए, जैसा क्वालिटी आप पीडीएफ में देख पा रहे हैं बिल्कुल वैसा ही क्वालिटी इसका इमेज फॉर्मेट में भी नज़र आएगा। मतलब आप इसे जब कन्वर्ट कीजिएगा तो इसके क्वालिटी में ज़रा सा भी अंतर नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं ये जो पीडीएफ फाइल है इसका प्रत्येक पेज को अलग करना, मतलब फ्रेंड्स इस पीडीएफ फाइल को हम जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पीडीएफ फाइल है और इसे हम जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए, अब फ्रेंड्स हमारा जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही प्लस वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा आपका पीडीएफ फाइल जहाँ पे भी होगा वहाँ पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है और ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फॉर्मेट में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये फाइल है और इसे आप इमेज फॉर्मेट में या कहे कि जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आउटपुट फॉर्मेट यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जेपीजी आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रहा है। यदि इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप बीएमपी, जीआईएफ, पीएनजी और टीआईएफ फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे हम जेपीजी में ही रहने देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे डीपीआई आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपका डीपीआई जितना अधिक होगा आपका इमेज क्वालिटी उतना ही अधिक होगा, मतलब आपका इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप डीपीआई हमेशा 200 से ऊपर रखिएगा। मतलब फ्रेंड्स आपका डीपीआई जितना अधिक होगा
इमेज का क्वालिटी भी उतना ही अधिक होगा। ऐसे में फ्रेंड्स आप चाहे तो 200 dpi, 300 dpi या फिर 400 dpi में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो इमेज का क्वालिटी होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आएगा और जैसा PDF फॉर्मेट में नज़र आता है बिल्कुल वैसा ही इमेज फॉर्मेट में भी वो नज़र आएगा। इसके लिए आप 400 dpi या फिर 300 dpi में उसे कन्वर्ट कर सकती हैं। तो चलिए इसे हम 300 dpi में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप dpi में 300 इंटर कर देते हैं, अब फ्रेंड जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आउटपुट फोल्डर का एक ऑप्शन दिया गया है, मतलब जब भी ये कन्वर्ट होगा तो इसे आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो चलिए हम चाहते हैं कि ये वीडियो वाला जो ऑप्शन दिया गया है यानी वीडियो वाला जो फाइल है इसे में हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो इसे हम वीडियो वाले फाइल को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो जब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी वीडियो वाले फाइल में जाके ये सेव हो जाएगा, जहाँ से हम आसानी से इसे देख सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट कन्वर्टिंग नो वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेसिंग होगा और देख रहे हैं ये कन्वर्ट होके जस्ट इसी PDF फाइल के जस्ट बगल में आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ये जस्ट वीडियो वाले फाइल में ही ये कन्वर्ट होके आ चुका है। अब इस पर डबल क्लिक करके देख रहे हैं ये अलग अलग 8 पेज में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए इसे हम डबल क्लिक करके देख लेते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, ताकि आप जान पाए कि कन्वर्ट होने के बाद इसके क्वालिटी में कमी आता है अथवा नहीं आता है। अब फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इसके इमेज क्वालिटी में जरा सा भी कोई कमी नहीं है, जैसा ये PDF में दिखाई दे रहा था बिल्कुल वैसा ही ये कन्वर्ट होने के बाद भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप बड़े आसानी से किसी भी PDF फाइल को JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी यदि किसी PDF फाइल को JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को जरूर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या शिकायत हो तो नीचे कॉमेंट कीजिएगा, वरना हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।